एक्सक्यूज मी सर, सर बोलो। ये जैक्स आरएस की थ्योरी भी है कुछ अलग से, ये सीधा मतलब इसकी प्रो आरएस टेस्ट की? की लिखवाई तो थी, आपको भूल गए? सर वो तो स्टार्टिंग में लिखवाई थी ना, आप जैसे जो दोनों ये में डिफरेंस था ना, अब ये सारी एनोटेशन की थी। बोलने भैया तो का बदला ला मतलब लिया, पर अगर पिज्जा बेचने की कौन है देखो, ये ऐसी बैठे मस्ती। ये पीछे के वो कॉपी तो एक ये तो पैरामीटर और एक तो आउटर। नो नो सर, सर, प्लीज नोट इट डाउन। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
वो तब वाला प्रोग्राम था ना सर, फंड वाला सर सर अभी हाँ जी हाँ जी लास्ट तक आया था सर, उसमें एक प्रोग्राम हाँ जी सर अभी वो मतलब शाम को मिला ना सर ये करा ओके सर थैंक यू कहाँ है वो जिसके पोस्ट से रिक्वायरमेंट है वो टाइप टेक्स्ट नेम एंड हैप्पी समर और ये जाएगा हमारे क्लास के ये रही यूजर सर्विस क्लास ये तो क्लास का नाम है पोस्ट पोस्ट का ग्रैब का पोस्ट आ गया और रजिस्टर आ गया अपडेट आ गया अब इसमें कैच होगा अब की बात लगा के फॉर्म है तो नेम में आ गया है इसमें आ गया और Okay.
Successfully adding user name, Lalu and address, but the form city data data जा सकता है अपने सीधा RESTful services के पास. चलिए form पैरा मिल गया. तो ये मैथड क्या करेगा कि वैल्यू का पेयर का एक कलेक्शन में जाएगा कि में हमारे यहां का नाम होगा वैल्यू
उस हेडर की वैल्यू इससे हमें मिलेगा फिर से लिस्ट और उसके हमने गैप में से आया जीरो पोजीशन पे उस पहले की वैल्यू पड़ी होगी और वो एक एक करके इसमें ऐड करके चलेगा ठीक सारे हेडर सारे और लास्ट में हमने इस स्ट्रिंग को रिटर्न करा दोनों चला रहे हैं ऐसे सारे हेडर की वैल्यू आप इसे अपनी रेस्टफुल सर्विस के थ्रू कर दिया कर दिया पहले ये वाला चलाते थे तो वो और कोई सीधा ये ऐसे बात की कैसे कंट्रोल तो आया नहीं कि हमारा यूजर रेटिंग का मॉनिटर और दूसरा वाला लगा चला के देखता हूं इससे हमें सारे हैं दोस्तों देखो
आपने बताओ कंडीशन यस सर कंडीशन